HDMI स्मार्ट चैनल को और घंटे बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे हाय फ्रेंड नमस्कार सभी का फिर से वेलकम है चैनल में। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड अगर आप भी चाहते हो आपके बच्चे का RTE में एडमिशन कराने, आप भी चाहते हो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फिर मेरे वीडियो का लास्ट से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो फ्रेंड अगर आप फॉर्म फिलिंग करना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड आपको फॉर्म किस तरह फिल करना है, और फ्रेंड अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिए हो तो फ्रेंड आपको किस तरह देखना है कि आपके बच्चों का जो नाम लॉटरी ड्रॉ में आया है कि नहीं आया। तो फ्रेंड फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जो भी लिस्ट निकलते हैं फ्रेंड आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो मैं आप सभी का हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड आपको मुझे कमेंट करना है और मैं आप कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। फ्रेंड आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग RTE, तो फ्रेंड मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। ओके तो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड जितने लोग ने फ्रेंड RTE का फॉर्म फिलअप किया था, तो जितने लोग अभी लॉटरी का वेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड जैसे पता है कि फ्रेंड आपको फर्स्ट लॉटरी तो निकल चुकी है, सेकंड राउंड की लॉटरी निकलने वाली है। अगर सेकंड राउंड की लॉटरी नहीं निकली तो फ्रेंड कब निकलेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड आज से दो सेकंड लिस्ट की जो लॉटरी वो निकलने वाली है, उसके लिए फ्रेंड आपको आना होगा RTE के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड आप वहाँ क्लिक करोगे तो फ्रेंड इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, इस तरह की वेबसाइट आएगी। इस तरह की वेबसाइट आने पर फ्रेंड आपको जाना होगा, सेलेक्टेड में। सेलेक्टेड में जाने का फ्रेंड आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, एकेडमिक एंड डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा फ्रेंड, जैसे मैं रत्नागिरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आना होगा लॉटरी राउंड नंबर में, तो फ्रेंड आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा लॉटरी राउंड नंबर। तो फ्रेंड जैसा 1 का रिलीज हुआ है तो फर्स्ट करो, फ्रेंड आप फर्स्ट पे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ सेम प्रोसेस होगा सेकेंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी। ओके तो फ्रेंड आपको क्लिक करना है गो पे। जैसे फ्रेंड आप गो पे क्लिक करोगे आपको इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड आपके बच्चों का नाम आ जाएगा, यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आप दे सकते हो। तो आपका स्कूल का नाम आ जाएगा फ्रेंड, स्टैंडर्ड आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे, स्कूल कोड आ जाएगा, स्कूल नेम आ जाएंगे। तो फिर आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ अपने बच्चे का नाम से भी सर्च कर सकते हो। ओके या आप अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन नंबर डाल के करोगे फ्रेंड, आपको एक्यूरेट जो होगा आपके बच्चों का वो यहाँ सर्च हो गया बता जाओ। फ्रेंड यहाँ जैसे मैंने एक नाम डाला राहुल, तो फ्रेंड अभी राहुल नंबर कोई बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन नंबर या सर्च बॉक्स में ला के इंसर्ट कर देना। जैसे इस पर पेस्ट करोगे तो फ्रेंड आपका अगर सेलेक्टेड हुआ है तो आ जाएगा, नहीं सेलेक्टेड तो नहीं आएगा। ओके तो फ्रेंड कोई भी स्टेट से बिलोंग करे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड आपको मैं इस राउंड के लिए पूरा हेल्प करूँगा, तो फ्रेंड मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो फ्रेंड आपको इस तरह का प्रोसेस करना है आपको बच्चों का सिलेक्शन हुआ कि नहीं देखने के लिए। उसके अगर आपको बच्चे का सिलेक्शन नहीं बता रहा है तो फ्रेंड आपको नॉन सिलेक्टेड में क्लिक करना है, और उसके लिए भी फ्रेंड आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ गो पे क्लिक करना है। जैसे पेज ओपन होगा तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर वहाँ पेस्ट करना है। अगर आपके बच्चे का नाम आ गया तो आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फ्रेंड ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।